सुप्रभातम। आज हम कक्षा 4 विषय संस्कृत पाठ 10 दशम पाठ महाराणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके बुक पे एक कहानी है जो चित्तौड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप बहुत ही साहसी, उदार, निर्भीक और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। यह चित्तौड़ जब ये चित्तौड़ के सिंहासन पे बैठे तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। कैसे प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं होगा मैं सुख से नहीं सोऊंगा और कष्ट सहूंगा। मतलब कष्ट ऐसा सहूंगा कि मैं तब तक नहीं सोऊंगा, अपने जीवन को कष्ट दूंगा कि जब तक मैं देश को स्वतंत्र नहीं किया। क्योंकि हमारा देश मुगलों का गुलाम था, उस समय मुगलों का राज था, यहाँ पर मुगल वंश का शासक था। तो महाराणा प्रताप एक चित्तौड़ के जो राजा उदय सिंह के पुत्र थे वो बहुत ही निर्भीक और शक्तिशाली राजा थे। तो उनके बारे में इस कहानी में बताया गया है, इसको हम बुक पे पढ़ेंगे। इससे पहले इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं। शब्दार्था मतलब शब्द और अर्थ। पुरा मतलब प्राचीन काल में, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। अस्माकम हमारा, प्राधीन गुलाम मतलब दूसरे के अधीन। सर्वत्र सब जो चारों तरफ फैला होता है। यदा जब, तदा कब, अभवत मतलब हुआ। इस प्रकार से और भी कई कठिन शब्द हैं इस चैप्टर में, इस पार्ट में, तो उसको हम बुक पे उसका अनुवाद करेंगे। तो आइए बच्चों मेरे साथ इस पाठ का अध्ययन करेंगे और आइए पाठ 10 महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इस महाराणा प्रताप के बारे में इस कहानी में बताया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। लंग लकार मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल में ये कहानी, क्योंकि कहानी जो महाराणा प्रताप काफ़ी 100 वर्ष पहले की बात है, उसकी कहानी आपके बुक में दे रखी है, तो बीते हुए समय में हम इसको पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। पुरा अस्माकम देश प्राधीन आसित। पुरा मतलब प्राचीन काल, अस्माकम हमारा, देश प्राधीन मतलब दूसरे के अधीन, आसित मतलब था। पुरा प्राचीन काल में हमारा देश प्राधीन था, ठीक है। सर्वत्र मुस्लिम शासकान नाम साम्राज्यम आसित। सर्वत्र मतलब चारों ओर या सभी जगह मुस्लिम शासकों का साम्राज्य था। समग्र एव देशे आहाकार आसित। समग्र मतलब सारे देश में आहाकार था, ठीक है। समग्र देश अस्माकम अधीनस्थ स्यात। समग्र सारा देश हमारे अधीन हो। मुसलमान शासक चाहते थे कि सारा देश हमारा अधीन हो, हमारे अधीन हो। इति मुस्लिम शासका नाम प्रतिज्ञा आसित। यह प्रतिज्ञा मुसलमान शासकों की थी। तस्मिन काले भारतवर्षे अकबर नामा शासक आसित। तस्मिन उस समय, ठीक है, उस समय भारतवर्ष में अकबर नाम का शासक था। उस समय मुगल काल में, उस समय मुस्लिम शासकों में अकबर जो नाम का राजा था उसका शासन था। आपने पढ़ा भी होगा कि अकबर जो महान सम्राट था मुगल काल का, ठीक है। आगे देखिए। चित्तौड़स्य निरप उदय सिंह आसित। चित्तौड़गढ़ था एक, उसका जो राजा था उसका नाम था उदय सिंह। चित्तौड़ के राजा उदय सिंह थे, उस समय चित्तौड़ के राजा उदय सिंह थे। तस्य पुत्र प्रताप आसित। तस्य मतलब उसका पुत्र, उनके पुत्र प्रताप थे। उनके पुत्र का नाम प्रताप था या उनके पुत्र प्रताप थे। स बाल्याद स एव साहसी उदार निर्भीक च आसित। स वह बाल्य से बचपन से ही साहसी उदार निर्भीक था। कौन था? प्रताप, ठीक है। यदा प्रताप राजसिंहासनम आरोहत तदा स इमां प्रतिज्ञाम अकरोत।
जैसे ही प्रताप जैसे ही प्रताप राजसिंहासनम राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठा आरोह मतलब बैठा तदा उसी समय तब ठीक है तभी उन्होंने इमा एक प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा करोत एक प्रतिज्ञा की क्या प्रतिज्ञा की यावत मम देश सर्वत स्वतंत्र न भविष्यति तावत अहम सुखम न सेवियस्य कष्टानि सहिष्य जब तक कैसे प्रतिज्ञा की जब तक मेरा देश स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र नहीं हुआ आजादी न मिली तो तब तक मैं न सोऊंगा और न तो सोऊंगा और कष्ट सहते रहूंगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं होगा मैं सुख से नहीं रहूंगा और कष्ट सहूंगा। ठीक है आगे है अकबरेण प्रतापाय पल्लवानी दतानी मतलब अकबर ने प्रताप को पल्लवन दिया क्या दिया अनेक अकबर ने प्रताप को अनेक पल्लवन दिए कि आप इस प्रकार से मेरे साथ मिल जाएं। लेकिन अकबरेण प्रस्तावितम अकबर ने प्रस्ताव दिया ठीक है क्या दिया यदि तुम मम अधीनातान स्वीकारोसि अहम तुभ्यम उच्च पदम सर्व सुख साधनानि च प्रदास्यामि मतलब यदि तुम मेरी मम अधीनाताम मतलब मेरे अधीन कार्य करोगे यदि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करोगे कर लो अहम तुम्हें मतलब हम तुम्हें तुभ्यम मतलब तुम्हें उच्च पदम मतलब ऊंचा पद तुम्हें उच्च पद पर सभी सुख सुविधाएं सर्व सुख साधनम सभी सुख सुविधाएं साधन च मतलब देते पादस्या मतलब तुम्हें पद देते हैं सभी सुख सुविधाएं देते हैं अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार करते हो। इस प्रकार से प्रलोभन दिया किसको प्रताप को। महाराणा प्रताप अति स्वाभिमानी आसित लेकिन महाराणा प्रताप क्या थे अति मतलब बहुत स्वाभिमानी थे वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तेन अकबरणस्य प्रस्ताव नांगी कृतम मतलब उसने अकबर का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया किसने महाराणा प्रताप ने। अनेन अकबर रुष्ट जात इस जब प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया इससे अकबर रुष्ट हो गया। महाराजा प्रताप स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थ युद्धम अकरोत महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए युद्ध करता या युद्ध किया अकरोत मतलब किया। अकबरेण सह तस्य युद्धम अभवत अकबर के साथ सह मतलब के साथ अकबर के साथ तस्य मतलब उसका या उनका युद्ध हुआ था किसका महाराणा प्रताप का। युद्धे प्रतापस्य पराजय अभवत युद्ध में प्रताप की अभवत मतलब पराजय हुई ठीक है। सब बने अगछत वह बन गए स निर्धन जात वे निर्धन हो गए जब युद्ध में हार गए तो प्रताप बन गए और वो निर्धन हो गए। साधन विहीन प्रताप अनेकानि कष्टानि असहत साधन विहीन प्रताप ने अनेक कष्ट असहत मतलब सहे ठीक है। केषुचिद् अवसरेषु भोजनम अपि लब्धम न आसीत केषुचिद् मतलब कभी कभी अवसरेषु समय पर तो भोजनम अपि न आसीत कभी कभी समय पर तो उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था। कदराज एव तस्य प्रसाद आसित ठीक है। गुफा कंद्रा मतलब गुफा एव तस्य प्रसाद आसित कभी गुफा से ही उनका महल थी कभी
उनका महल गुफा के समान थी। ठीक है, भूमिरेव तस्य सैया आसित, भूमि ही उनकी सैया थी, गुफा ही उनका महल था। ठीक है, भूमि उसकी सैया थी, मतलब जो राजा जो है महलों में रहते थे, अब भूमि ही उनकी सैया है, बिछोना है। ठीक है, परम प्रतापेन लेस मात्रम अपि कष्ट न गण्यते, परम मतलब लेकिन प्रताप ने कष्ट जो आप उनकी सैया थी, भूमि पे सोते थे, गुफाओं में रहते थे, उसके लिए लेकिन प्रताप परम प्रतापेन लेस मात्रम अपि कष्ट न गण्यति, लेकिन प्रताप ने कष्ट जो उनको कष्ट मिला है उसको लेस मास भी महसूस नहीं करते थे, उस कष्ट को लेस मात्र भी नहीं मानते थे। कहने का मतलब है अतः युद्ध भूमि एव स प्राणन अर्त्यजत, अतः अंत में युद्ध उन्होंने युद्ध भूमि में प्राण त्याग दिए। वस्तु स देशभक्त आसित, वास्तव वस्तु मतलब वास्तव, स मतलब वह, वास्तव में वे सच्चे या देशभक्त थे। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी, अकबर और महाराणा प्रताप के वीरता की कहानी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं, इनको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज देंगे। तो आपने देखा होगा बच्चों, ये प्राचीन समय की कहानी है, जो महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र थे, ठीक है, उनके बारे में इस कहानी में बताया गया, वो किस प्रकार से वीर थे, साहसी थे, देश से स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे और इसका अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।